16 विकासखंड सोनहत के क्षेत्र की जनपद सदस्य मानवती सिंह ने सोनहत जनपद सीईओ आरएस सेंगर तथा विधायक मीडिया प्रभारी राजन पांडे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत सोनहत थाने में दर्ज करवाई है। बता दें कि जनपद सदस्य ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीईओ साहब के द्वारा जनपद की सामान्य सभा तथा सामान्य प्रशासन की बैठकों में मनचाहे मुद्दे पर सहमति देने हेतु दबाव बनाया जाता है। सहमत नहीं होने पर उनको मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी हैं जो समाज के विकास में आगे बढ़ रही महिलाओं को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हम आपको बता दें कि ये ताजा मामला 30 दिसंबर का है, जहां जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन की बैठक में सीईओ द्वारा गत वर्ष सोनहत के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अवैध रूप से घुसने के आरोप में दोषी पाए गए लिपिक दीपचंद्र शिवहरे की पदोन्नति के मुद्दे पर सहमति बनाने हेतु जबरन दबाव बनाया है। जब जनपद सदस्य नहीं मानी तो साहब के द्वारा दबंगई दिखाते हुए कहा गया कि तुम्हारे नहीं मानने से कुछ नहीं होता और तुम नहीं मानोगी तब भी मैं पदोन्नति करवा के दिखाऊंगा। मानवती सिंह मुद्दे पर जब असहमति जताते हुए बाहर चली गई तो उनके समर्थन में जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गुलाब चौधरी ने भी असहमति जताई। जानकारी अनुसार बाहर निकलने के बाद महिला जनपद सदस्य को विधायक मीडिया प्रभारी राजन पांडे ने भी अपमानित किया। इस घटना से मानवती सिंह बेहद आहत है और उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 30 तारीख को जनपद पंचायत में बैठक रखी गई थी। उस बैठक में जनपद के बाबू दीपचंद शिवहरे का पदोन्नति करना था। उस पदोन्नति में मैं समर्थन नहीं दी तो सीओ सर मेरे ऊपर भड़क गए, बोलने लगे तुम दो या ना दो मैं उनका पदोन्नति करके ही दिखाऊंगा, और मेरे जाति को लेके अनाप शनाप बोलने लगे। फिर मैं वहाँ से बाहर निकली तो रास्ते में राजन पांडे मेरे को मिले। वो बोलते हैं मेरे को कि 1000 रुपये क्या कम था तुम्हारे लिए, गुड़ गंवार हो तो 1000 से ही ज़्यादा उम्मीद मत रखना। बोले तुम लोग को अगर हम लोग के हिसाब से चलना है तो हमारे ही नियम कायदे पर चलना होगा, नहीं तो 1 घंटा में पड़े रहना। फिर मैं वहाँ से रूट के आ गई घर। तो सीओ साहब जबरदस्ती आप लोगों से वो करवा रहे थे? हाँ, बोले करना है तो करो, नहीं करोगे तो तुम्हारे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जब कैसे भी मैं उनका पदोन्नति करके ही दिखाऊंगा। भानु प्रताप पौले, ग्राम रोजगार सहायक संघ का अध्यक्ष, बड़ी प्रोड़ा। सर आप लोग आज सचिव संघ को समर्थन दिया और सचिव संघ ने आपको समर्थन दिया, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आज हमारे बीच उपस्थित प्रीति कंवर जी, जिला सदस्य कोरबा, हमें समर्थन देने आए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद जो हमें साथ दे रहे हैं हमारी लड़ाई के लिए। और हमारी आगे की लड़ाई और कहाँ तक आप लोगों ने सोच के रखा है? हमारी लड़ाई जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अनशन की लड़ाई है, भूख की लड़ाई है, सभी लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets lie hai. Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.